वन नेशन वन कार्ड की दिशा में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कंप्लायंट रुपे डेबिट कार्ड का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 दिसंबर 2020 को किया गया। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के मानकों पर खरा उतरने वाला ये कार्ड अब दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर उपयोग किया जा सकता है। यह कार्ड असल में एटीएम डेबिट कार्ड ही है, जो कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के मानकों के अनुसार अब रुपे डेबिट कार्ड के रूप में सभी बैंकों द्वारा इशू किया जाने लगा है। देश के किसी भी कोने से आने वाले रुपे डेबिट कार्ड धारक अब दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली आने पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए अलग से मेट्रो टोकन या मेट्रो स्मार्ट कार्ड खरीदने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। NCMC कंप्लायंट इस रुपे कार्ड को उपभोक्ता अपने बैंक अकाउंट पर किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्ड से पहली बार यात्रा करने के लिए कार्ड के ई वॉलेट में स्टेशन के कस्टमर केयर सेंटर से न्यूनतम 100 रूपए और अधिकतम 10,000 रूपए टॉपअप कराना होगा। इसके बाद AFC गेट पर आकर कार्ड को एंट्री गेट रीडर पर टैप करना है और आप अब मेट्रो में यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने पर NCMC कार्ड के ई वॉलेट से निर्धारित यात्रा शुल्क अपने आप कट जाएगा। समय समय पर पर्याप्त यात्रा राशि बनाए रखने के लिए कार्ड के वॉलेट में स्टेशन से टॉपअप कराया जा सकता है। 2022 तक दिल्ली NCR के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए NCMC कार्ड प्रयोग में लाया जा सकेगा। सरकार के दिशा निर्देशों के तहत देश भर में अब नए जारी और रिन्यूअल होने वाले सभी डेबिट कार्ड रुपे बेस्ड NCMC कंप्लायंट ही होंगे। यानी कि देश भर के करोड़ों लोग 2022 तक दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर इस कार्ड से यात्रा कर सकेंगे। यही नहीं, आने वाले समय में इस कार्ड से दिल्ली मेट्रो के अलावा देश के किसी भी कोने में मेट्रो, बसों, सब अर्बन रेल इत्यादि में यात्रा के अलावा टोल, पार्किंग इत्यादि के भुगतान के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा। आप भी अपने बैंक से आज ही NCMC कंप्लायंट रुपे कार्ड प्राप्त कर दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा कर सकते हैं।